आज मैं चने की दाल और मसूर की दाल और गोश्त बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से गोश्त, चने और मसूर की दाल बनाएं। आइए इसको किस तरीके से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज मैं गोश्त दाल बनाने जा रही हूँ। ये 500 ग्राम हमने गोश्त लिया है और ये हमने चने की दाल और मसूर की दाल ली है। ये अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है और गोश्त को भी अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। आइए हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। ये कुकर रख लिया हमने गैस पे, गोश्त को डाल देंगे। ये मसाले हैं हमारे, ये धनिया पाउडर है ये एक चम्मच है, हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हम दाल डाल रहे हैं इसलिए हमें हल्दी पाउडर ज़्यादा लेना है। ये हमने एक चम्मच ली है और एक चम्मच ये हमारी रेड मिर्च है, एक चम्मच ही नमक है और ये खड़े मसाले हैं दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब इसको हम कुकर में ऐड कर देंगे सबको एक साथ। लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है गाइस, इसे हमने सिर्फ एक ही प्याज पीसी है, लहसुन भी 6 से 7 कलियाँ डाली हैं और अदरक भी हमने 1/2 इंच का टुकड़ा डाला है। अब इसे कुकर में ऐड कर देंगे हम और इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। अब इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल हम ये एक चम्मच भर के डालेंगे, ये 150 ग्राम का हमारा चमचा है, इसे चला लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। ये हमने छोटा ग्लास पानी डाल दिया है। 5 से 6 मिनट हम इसे खोल के पकाएंगे, उसके बाद हम सीटी लगाएंगे। जब तक ये दाल को हम धो के रख लेंगे, जब तक हमारा गोश्त भुनेगा जब तक इसे हम पानी में ही डाल के रखेंगे। ये गाइस चने और मसूर की दाल है। चने की दाल हमने 150 ग्राम ली है, मसूर की 200 ग्राम। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है हमने और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में भिगोए रखेंगे। आइए अब हमारे गोश्त में अच्छे तरीके से उबाल सा आ गया है और इसे चला के हम इसमें सीटी लगाते हैं। इससे पहले गाइस हम 2 तेज़पत्ता के पत्ते ऐड कर देंगे, जिसे हम डालना भूल गए थे, इसी तरह हमने ये डाल दिया है। अब इसमें हम चला के सीटी लगाते हैं। यहाँ पे हमने 6 सीटी ले ली हैं गाइस। 1-2 लेने के बाद हम इसे गोश्त को चेक करते हैं कि हमारा गोश्त भुना है या नहीं। आइए गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त हमारा इस तरीके से हो गया है, ये भुन चुका है गाइस। देखो जैसा हमें चाहिए था उसी तरीके से ये गोश्त भुन के तैयार है। आइए हम इसमें चने की और मसूर की दाल डालते हैं। इसमें ये चने और मसूर की दाल हम डाल देते हैं। दाल डाली है इसमें हमने और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी साफ से ही रखेंगे, ना ज़्यादा डालेंगे ना कम, क्योंकि हमें दाल गाढ़ी ही रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसके हम 1 सीटी लेंगे। गाइस नमक कम था तो हमने थोड़ा सा और ऐड करा है, आप अपने नमक अपने हिसाब से ऐड करें। इसमें पानी हमारा ये परफेक्ट है। अब इसमें 1 सीटी लगाने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सीटी हमने लगा ली है, आप 1 सीटी के बाद आपको दिखाते हैं। ये कुकर का हमने ढक्कन लगा लिया है, अब 1 सीटी लेने के बाद आपको दिखाते हैं। आइए कुकर हम चेक करते हैं। सीटी हमने निकाल ली है, गैस हमने बंद कर दी। ये देखो भाई, ये इस तरीके से दाल गोश्त बनके तैयार हो चुके हैं। ये चावलों के साथ गाइस बहुत ही टेस्टी लगती है, तंदूर के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हम इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर दिया हमने और इसमें हमने 1/2 इंच अदरक का चॉप करा था वो भी ऐड कर देंगे। ये गोश्त दाल गाइस हमारा बनके तैयार है। आप भी गाइस इसी तरीके से बनाएं और खाएं और बहुत ही टेस्टी बनती है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये गाइस हमारे चने, मसूर और गोश्त बनके तैयार हो चुका है। गाइस ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी इसी तरीके से ज़रूर।
आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको गोश्त, चने की दाल और मसूर कैसा लगा। ये गाइस हमने न्यू रेसिपी बनाई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गाइस मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।